हेलो गाइस, मैं फरहान अख्तर उन्होंने विशाल सिंह तो दोस्तों काफ़ी दिनों पहले मैंने YouTube पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि SSC CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है। मैंने चार ऑप्शन दिए थे, उसमें क्लोज टेस्ट कहा था, मैं पैरा जम्बल कहा था, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन कहा था और वोकैबुलरी कहा था। सबसे ज़्यादा तकरीबन 60% जो वोटिंग थी वो वोकैबुलरी पे आई थी, मतलब कि जो मैक्सिमम बच्चों को जो डर लगता है वो वोकैबुलरी के बारे में लगता है। तो ये वीडियो आज मैं वोकैबुलरी के बारे में बता रहा हूँ, बताऊँगा एक एक चीज़ कैसे से सीजीएल के लिए आपको वोकैब कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आपने प्रिपेयर कर भी लिया है तो एग्जीक्यूट आपको कैसे करना है, किन किन बहकावों से आपको दूर रहना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। तो कुछ करना और तो नहीं है, बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों सबसे बेसिक चीज़ तो आप जानते हो कि वोकैबुलरी में कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले एंटोनिम्स, साइनोनिम्स को एंटो साइनो लोग कहते हैं अब्रीविएशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी आता है, idiom phrases, idioms and phrases। तो मेनली ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वोकैबुलरी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सबको आप प्रिपेयर करोगे कंबाइंड रूप से, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एंटो साइनो को प्रिपेयर करो तो आपका वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा या फिर क्लोज टेस्ट को प्रिपेयर करो तो आपका नहीं, सारा कंबाइंड वे में अगर आप लेके चलोगे तभी आपका वोकैब अच्छा माना जाता है। इसलिए किसी एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट पर ध्यान देके आप वोकैब अच्छा नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ज़रूरी बात मैं बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वोकैब इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, दो बात कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वोकैब कहीं इंपॉर्टेंट है और कुछ हद तक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है पहले मैं आपको ये बताता हूं। आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में और उसमें 50 मार्क्स के होते हैं, वोकैब से क्वेश्चंस में 3 से 4 होते हैं, ठीक है। 3 से 4 वोकैब से क्वेश्चन है, अगर उस 3 से 4 में से आप 1 या 2 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए तो भी आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। बाकी सारे पार्ट्स में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स बहुत आसान होते हैं और वोकैब में जो आपका पार्ट होता है वो 1 से 2 क्वेश्चन उसी में छूटेंगे, तो आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका इंग्लिश अच्छा चला जाएगा। वही क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में छोड़ते हो तो ही वही वेटेज है, तो मतलब जो क्वेश्चन छूटने का चांसेस होता है सबसे ज़्यादा होता है वोकैब सेक्शन में। तो यहाँ तो बात ये हुई कि आप वोकैब में तो वोकैब के 1-2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा। अब यहाँ पे ये भी कंट्राडिक्शन है कि 3-4 क्वेश्चन के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो तो ये थोड़ा एक कंट्राडिक्शन होता है और यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि यार यही ध्यान तुम उस पर दे दो तो उस पर ज़्यादा मार्क्स तुम स्कोर कर लोगे, इसमें कम स्कोरिंग होता है। तो ये तथ्य होता है, ये जो लॉजिक होता है ये वैसे लोगों के लिए जो वोकैब को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब वैसे लोग जो वोकैब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मैं उनके सपोर्ट में हूँ, उनके समर्थन में हूँ। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ठीक है वोकैब में चलिए 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन दोस्तों बाकी के जो सेक्शंस हैं उसमें हर कोई स्कोर करता है। आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन ऐसा सेक्शन है जो हर कोई स्कोर करता है, क्लोज टेस्ट, एरर्स, ग्रामर, सबको ग्रामर के रूल पता होते हैं, सबने प्रैक्टिस करी होती है। वोकैब ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें SSC कुछ इनोवेटिव काम करता है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जो क्लोज टेस्ट है, चाहे पैरा जम्बल्ड है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो सेम पैटर्न पे ही SSC लगातार पूछता आ रहा है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आइडिया है कि उसको टैकल कैसे करना है। बट वोकैब में कभी वो बहुत सारा टफ क्वेश्चन दे देता है, कभी बहुत ज़्यादा आसान दे देता है, तो उसमें वो खेलता रहता है। तो अगर आपको कंपटीशन में एज लेना है बाकी स्टूडेंट्स से तो वोकैब आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, उस वोकैब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वोकैब को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है, छोड़ के नहीं चलना है, हमेशा आपको साथ लेके चलना है। अब बात करते हैं वोकैब आपको करना कैसा है प्रिपेयर। सबसे पहले तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर के मैंने ऐसे मैथ्स के बारे में वो कहा था कि सिर्फ पिछले 2-3 साल के ही आपको देखना है, लेकिन इंग्लिश के बारे में कहूँगा कि जब से शुरू हुआ है 1997 से जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आता है किरण कहता मोटा, वो आपको उठाना है। उसमें जो वोकैबुलरी का सेक्शन है उस पूरे सेक्शन को करना है, चाहे वो कब का भी हो, 2 साल पहले का हो, 10 साल पहले का हो, 20 साल पहले का हो, शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि वो आपसे छूटे नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि SSC CGL की जो है ना वो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, SSC की ही इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और इंग्लिश में वो कुछ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता है, बहुत डरता है वो इंग्लिश से। इसलिए जो भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के वो घुमा फिरा के पूछ देता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रखे हैं वोकैब के
तो आपको 85-90% क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हो, चाहे वो एंटोसाइनो की बात हो, चाहे वो वर्ब सब्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे वो यू नो इडियम फ्रेजेस की बात हो, किसी भी सेक्शन में आप 85-90% स्कोर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के लिए बहुत पूछते हैं कि किरण फॉलो करें या एमबी फॉलो करें, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँगा किरण में एरर थोड़े ज़्यादा हैं तो आप एमबी फॉलो कर सकते हैं, एमबी में भी एरर थोड़े ज़्यादा हैं तो आप अरिहंत के बुक्स जो प्रीवियस ईयर की आती है वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन अरिहंत की बुक जो है वो इन दोनों से रिलेटिवली काफ़ी महंगी होती है, तो देख लेना। अगर आप क्वालिटीज़ में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते तो अरिहंत की ले लेना, और नहीं तो किरण वगैरह में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं उसमें, लेकिन एरर उसमें है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू नो उनको सॉल्यूशन ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो ऐसे लोग किरण फॉलो कर लें, और जो एरर को लेकर बहुत ज़्यादा फिनिकल हैं वो लोग आ जाएँ इस पर अरिहंत पे। अब दोस्तों ये तो हो गई 85-90% की बात, अब बाकी जो 10-15% बच गया उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों अगर आप यू नो एक एवरेज स्टूडेंट हो, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, आपको ऐसा लगता है इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो, तो 85-90% ला के आप आराम से सिक्योर हो सकते हो। आपको बस इस बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि प्रीवियस ईयर के अलावा आपको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको मन नहीं लगता तो आप वो चीज़ मेहनत मैथ्स में लगाइए, किसी इंग्लिश के किसी और सेक्शन में लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप 100 out of 100 स्कोर करना चाहते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा रामबाण है, सबसे पहला तो वो है न्यूज़पेपर्स। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया है कि ऐसा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उस प्रोसेस से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो 10-15% आपका वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ भी कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या, आपकी बहुत सारी बुक्स आती है मोटी मोटी, एक आपको पता है कि मैंने भी एक बुक फॉलो की थी, मैंने आपको बताया भी था, अरिहंत की एक बुक थी जिसमें कि सिर्फ वर्ड्स भरे हुए थे, और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने बहुत उसको पढ़ा भी था, और मुझे वकैब याद करने में मज़ा आता था तो मैं उससे पढ़ा करता था, लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। SSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा सीमित हो गया है, चलिए थोड़ा सा रिस्क भी ले लें, तो चलिए एक दो क्वेश्चन ही, जैसे मैंने कहा एक दो क्वेश्चन ही छूटेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। प्रीवियस ईयर और जो न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे उससे ही आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है रिवीजन। आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में, वो आपको ये फील कराएंगे कि यार ये मैंने क्वेश्चन कहीं देखा है लेकिन मुझे अभी आ नहीं रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो वन वर्ड की बात हो, चाहे एंटोसाइनो की बात हो, किसी की बात हो, तो इसीलिए मैं ये दोस्तों कहता हूँ कि एक आपको नोटबुक मेंटेन करनी है। मैंने भी वो नोटबुक मेंटेन की थी और मैं शायद आपको दिखा भी दूंगा फोटो उसकी। तो उस नोटबुक में आपको करना क्या है कि हर वर्ड उसमें आपको नोट करना है जो भी आपको नहीं आता, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ो या आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, सारे वर्ड का कलेक्शन उसमें होगा, और आपको हर हफ्ते उसका रिवीजन करना है, एक हफ्ते कलेक्ट करना है। हर दिन एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज 10 वर्ड नोट करने ही है, चाहे जहाँ से भी हो, और हफ्ते के एंड में उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहोगे तो आप कंपनसेट हो जाता है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके मन में एक शिकायत रहती है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हो। उस मॉक टेस्ट में जो किसी खास वेबसाइट का होता है उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, आप परेशान होते हो। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि SSC का जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा कौन फॉलो करेगा, खुद SSC ही फॉलो करेगा, उतना कोई और फॉलो नहीं कर सकता है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वो पर्सनल रीजन से, पर्सनल बायस की वजह से ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जिससे कि आप उनके कोर्सेज बाय करने के लिए अग्रेसिव हों, इसलिए आपको उन पर ज़्यादा ध्यान न देके आपको अपना काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे ही काम करना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको छूट भी गया उसको नोट कर लिया करो अपने डायरी में, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आएंगे 85-90%। कुछ क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो भी गए तो आपके न्यूज़पेपर से आराम से कवर हो जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ अगर मैं बात कर लूँ कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह होता है उसके लिए एक बुक आती है अरिहंत की एक बुक आती है जिसमें इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कलेक्शन होता है काफ़ी सारा। अगर आप बहुत ज़्यादा ही फिनिकल हो, बहुत ज़्यादा ही स्कोर करना चाहते हो, तो हालांकि वो चीज़ तो 100% प्रीवियस ईयर ही आती है, बट एक आध क्वेश्चन अगर आ गया उसमें भी तो चलिए आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सर्टेन करनी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों कि आपको वर्ड गेम्स खेलने हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स ऐसे हैं जिसमें आप वर्ड गेम्स क्विजेज वगैरह खेल सकते हो, उससे आपकी वोकैबुलरी रिवाइज भी होती रहेगी और आपकी वोकैब बढ़ती भी रहेगी और बहुत ज़्यादा समय तक वो आपको याद भी रहती है। चीज़ें जो आप पढ़ते हो वो आपको उतनी याद नहीं होती, बस इन सब चीज़ों के थ्रू अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग में ज़्यादा स्टोर रहती है। तो दोस्तों वर्ड गेम्स खेलने खासतौर से एक मरियम वेबस्टर नाम की एक डिक्शनरी है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें
वर्ड्स भी हैं, एंटोसाइनमी भी वहाँ से कवर होंगे, और वहाँ पे आप मतलब वर्ड गेम्स भी खेल सकते हैं। तो मरियम वेबसाइट डिक्शनरी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए। तो बस दोस्तों इतने ही एक ब्रीफिंग थी हमारे SSC CGL इंग्लिश वोकैबुलरी के सिलेबस के बारे में। कुछ नहीं है, आप लोग बेकार में परेशान होती है, एक वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, मैंने बना दी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। आप लोगों को थोड़ा सा सूद करने के लिए, काम करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो पता है क्या करना है, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो बाय बाय।